और दिल्ली में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। कई इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव, निचले इलाकों में आज फिर भरा पानी, मूसलाधार बारिश से लोगों को परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। एम्स फ्लाईओवर के पास जलभराव से लगा जाम। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी इस तरह की बारिश होती है, एक या दो दिन की ही बारिश में दिल्ली में जल निकासी की पोल खुल जाती है, सड़कों पर स्थिति वैसी हो जाती है जैसे लगता है कि हम मुंबई की बारिश को देख रहे हों। और ये स्थिति तब है जब सिर्फ दो दिनों तक लगातार बारिश हुई है और हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल्ली के किसी भी हिस्से से निकल पाना मुश्किल है। अगर जल भराव से अगर आप बचना चाहते हैं या ट्रैफिक जैम से बचना चाहते हैं, खासकर जो पीक आवर्स होते हैं ट्रैफिक के, उसमें लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है। लोग जो दफ्तर जाते हैं, लोग अपने काम पे जा रहे हैं। ये पालम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये जो अंडरपास है उसमें पूरी तरह से पानी भर गया है, गाड़ियों का निकलना मुश्किल, गाड़ियां बंद पड़ जा रही हैं, लोग किसी तरीके से यहां से गुजर रहे हैं। और ये हालात दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में ओवर ब्रिजेस के नीचे या फिर अंडरपास के नीचे बने हुए हैं और परेशानियां भी बनी हुई हैं। तो दिल्ली में लगातार बारिश और बारिश के बाद पैदा हुए ये हालात। श्रद्धा इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करेंगे। श्रद्धा, कहां हैं आप इस वक्त और क्या हालात हैं? बारिश अभी भी हो रही है, लोगों के सामने कैसी परेशानी पेश आ रही है? जी रवि, देखिए इससे पहले जब मैं आपसे बात कर रही थी, हम नोएडा की तस्वीर दिखा रहे थे। इस वक्त मैं दिल्ली में आ चुकी हूँ, वसुंधरा एनक्लेव के पास हूँ और यहाँ की तस्वीर मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी कि जिस रोड पे आप जाएंगे, देखिए पीछे कितना पानी भरा हुआ है। ये पूरी रोड ये पूरी तरीके से जलमग्न है। और अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश को आज सुबह से 2 घंटे हुए हैं बस बारिश को हुए, और आप ये तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से, चाहे किसी भी रोड की बात कर ली जाए, चाहे जाने का रास्ते की बात कर ली जाए, चाहे आने की रास्ते की बात कर ली जाए, हर तरफ पानी ही पानी आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसी के साथ ही एक और सड़क में दिखाना चाहूंगी जो अंदर कॉलोनी की तरफ जाती है, वो भी तस्वीरें आप जरा कैमरे की तरफ से देखिए, क्योंकि लोग हैं उन घुटने तक पानी भरा हुआ है और घुटने तक पानी भरते हुए में वो किस तरीके से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये मेन रोड है और मेन रोड तक आना उनकी मजबूरी है क्योंकि ऑफिस टाइमिंग शुरू होने वाली है, लोगों के अपने दफ्तर जाना है, काम करने के लिए बाहर जाना है। पीछे आप महिला देखेंगे किस तरीके से, देखिए उनके घुटने तक पानी है और वो किस तरीके से मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पर आ रही है। इसी के साथ ही मैं रवि एक जानकारी जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो रोड हम आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल धर्मशिला हॉस्पिटल के बराबर। तस्वीरें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितनी मुश्किल है। और आप जहाँ की तस्वीरें दिखा रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें हमें मिल रही है, वहां भी ऐसा ही आलम है और कई जगह तो इतना पानी भर गया है कि वहां से किसी भी गाड़ी का निकलना मुश्किल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।